हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस डेली करंट अफेयर एमसीयू ऑफ 11 डिसेंबर। तो फ्रेंड्स, जदि आपण को करंट अफेयर सीरीज भल लगुच निश्चित भाव में भिडियो को लाइक करूँ, सेयार करूँ, और जदि चैनल नुआ तो निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ। तेज चलो देखा आज कौन सब क्वेश्चन रही। यहाँ पूर्व थर क्वेश्चन थी आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। तो फर्स्ट टाइम पर जो 5 ईयर प्लान लॉन्च होता से 1951। तो यहाँ मन रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत थोड़ा परीक्षा पड़ी। 1951 आरंभ होता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आज फर्स्ट टाइम भी आम गवर्नमेंट होता है, आम प्राइम मिनिस्टर थे कि जवाहरलाल नेहरू। व्हिच स्टेट हैज ओन द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो सीनियर जो वुमेन मान नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होता यहाँ किए जीति मणिपुर जीति आ मणिपुर टाइटल टाक जीति जोटा कौटे होता ईएमएस स्टेडियम होता कोझिकोड केरला होता केरला यहाँ को इवेंटा कर चैंपियनशिपटा आ मणिपुर रेलवे टीम को हर जीति रेलवे गो टीम अच्छे तो से रेलवे टीम को फाइनाल हर मणिपुर तार टाइटलटा जीति आ मणिपुर रोज 18th नंबर टाइटल। ता सहित रिसेंटली मन रखिए सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो होता सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जोटा कि क्रिकेट सहित T20 मैच गोटे स्टेट स्टेट भितर खेलाई था। तो यार किए जीति तमिलनाडु जीति मत इम्पोर्टेंट मन रखिए तमिलनाडु जीति ए बर्षर सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी। व्हिच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड आत्मनिर्भर कृषि डेवलपमेंट स्कीम। तो आत्मनिर्भर कृषि डेवलपमेंट स्कीम रिसेंटली यूपी रो कैबिनेट स्कीम टाक अप्रूव कर मुख्यतः फार्मिंग पर जानपर थी आ द्वारा टारगेट कौन हेल्प हम मानने लोन दि जापर जे भी बड़ बड़ मान जी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जाक अच्छी बड़ बड़ एक जो मैंने बहुत बेसी एग्रीकल्चर कर ग्रामांचल जी सब जो आम गोष्ठी था जो कह SHG कह सोशल हेल्प ग्रुप वोमेन मान जो ग्रुप था तो जो मैंने कि डायरेक्टली हूँ इनडायरेक्टली हूँ कृषि सहित जोड़ी अच्छा डेवलपमेंट करने चाहूँ तो से लोन माध्यम से हेल्प कराब बहुत ही कम इंटरेस्ट विभिन्न बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रु 1 करोड़ पर्यंत लोन दि जापर ता सहित अन्न्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आसिक टोटल 2 करोड़ पर्यंत इन्वेस्टमेंट दिहपर आनुआल 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ता सहित स्कीम अंडर रे एटा टारगेट रखाई जे आगामी 3 वर्ष रे ये 1475टा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO तो 1475टा FPO मध्ये सेटअप करा हो से स्टेट रे एटा को स्कीम अंडर रे योजना है। आ ईपुर CM होती किए योगी आदित्यनाथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल। हु हैज ओन द गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 रे गोल्ड मेडल जीति इंडिया रे संकेत महादेव सरगार आदि स्टेट को हम तो ये महाराष्ट्र को बिलोंग कर तो ये रिसेंटली जो ये चैंपियनशिप होता चैंपियनशिप होता गोटे ताशकेंट रे उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकेंट रे आठे ये मेन्स 55 किलो कैटेगोरी 113 किलो ओजन उठेरी वेट लिफ्टिंग करी गोल्ड मेडल जीति। नेक्स्ट गोट मत इम्पोर्टेंट एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सौरभ घोषाल ये रिसेंटली जीति मलेशियन ओपन स्क्वाश खेल सहित रिलेटेड तो मलेशियन ओपन जो स्क्वाश चैंपियनशिप होता से इंडिया सौरभ घोषाल जीति ताजमहल इस्लाम मन रखिए ये रिसेंटली गोल्ड जीति कौटे ना Under-14 वर्ल्ड किक बक्सींग वर्ल्ड किक बक्सींग चैंपियनशिप होता इजिप्टर कायरो रे तो सही गोल्ड मेडल जीति Under-14 कैटेगोरी। नेक्स्ट हैज लॉन्च्ड द भाषा संगम मोबाइल आप। तो भाषा संगम मोबाइल जो आप अच्छे यू लॉन्च कर सुभाष सरकार डॉक्टर सुभाष सरकार जो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एजुकेशन रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अच्छा
तो येटा को लॉन्च कर भाषा संगम जो मोबाइल आप होचे ये मुख्यतः आम जो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशनल 22टा लैंग्वेज को आम कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई अच्छे आम कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से तो 22टी जहाँ लांगुएज कि लोक मैंने सब लांगुएज को जापर सब लांगुएज को सहजरे कथबार्ता हो पारे से जो आपटा डेवलप होटा तो आई रे पखापाखी 100टा एमती जो डेली यूज करे सेंटेन्स मुख्यतः आम जो चार्ट फाट कला कनभर्सन से सेंटेन्स को कौन कर 22टी जाक लांगुएज डिफरेन्ट डिफरेन्ट सब थीम स्टाइलीश कर लिखाई जहाद्वारा आम इजिली सब आम जब कौट टाइप कर तार से 100 सेंटेन्स भितर आम जो डेली कथबार्ता हो सेंटेन्स जाक 22टा लांगुएज रखाई तार्थ आम जापर अन्न्य लांगुएज कौन कहु तो यहाँ हूँ भाषा संगम आप जोटा को सुभाष सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन लॉन्च कर धर्मेन्द्र प्रधान आम एजुकेशन मिनिस्टर पीयूष गोयल कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर भूपेन्द्र यादव ये हूँ आम एनवायरनमेंट मिनिस्टर व्हिच डे इज ऑब्जर्व ह्यूमन राइट्स डे तो ह्यूमन राइट्स तो जानते जो ह्यूमन मान अत्याचार कर मुख्यतः जो अधिकार अच्छी तो ताकि डेटा सेलिब्रेट होटा एव्री इयर डिसेम्बर 10 तारीख सेलिब्रेट हो वर्ष जो थीम अच्छी से इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग एंड ह्यूमन राइट्स मुख्यतः जो जदि कार मान स्किन कलर जो कौन क्षेत्र बाद दिखाई तो से क्षेत्र में मुख्यतः आम जो देखु कला गरा भेदभाव अच्छी कला लोक डिफरेन्स हो बड़ बड़ अनुष्ठान जो घृणा टाइप तो से प्रकार जब कौटे कि मैंने से फाइट करने डेटा सेलिब्रेट हो यहाँ 1948 मैंने सब आरंभ होता रिकग्नइज दिखाई है जेटा को ह्यूमन राइट्स डे रूपे सेलिब्रेट करा पूरा वर्ल्ड वाइड व्हिच वाज द टॉप सर्च्ड न्यूज इवेंट बाय इंडियंस ऑन गूगल 2021 तो रिसेंटली गूगल डिसेंबर 9 तारीख रे ना पूरा आम ये वर्षटी जाकर जो सब गूगल ट्रेंडिंग टॉपिक जोटा कि अधिक सर्च हो पर्सन हो इवेंट हो कि पूरा न्यूज हो इन कैटेगोरी से टॉप काढ़ी तो तेरे सबुठ जो टॉप न्यूज सर्च कर लोक मैंने टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स जो जापान नहीं तो ता विषय लोक मैंने सब अधिक सर्च कर तलक अच्छे ब्लाक फंगस जो कोरोना परपर आसाला जोटा को अन्न ना मन रखी थे जोटा को म्यूकर माइकोसीस तो यहाँ सेकेंड रहा ब्लाक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस अफगानिस्तान रे जो मुख्यतः तार जो गवर्नमेंट एता ही गला तालिबान अटाक करदे यहाँ थर्ड रही वेस्ट बंगाल इलेक्शन फोर्थ रे अच्छी आम मन रखिए जब इवेंट कथ कब इवेंट मान जो आम जिन क्रिकेट को इवेंट कौन ये सब जहाँ विषय कर तो आम जो आईपीएल 2021 अच्छी सेटा क्रिकेट रे सब अधिक सर्च हो तापर कोविन जो आम अच्छे कोविन पोर्टाल जोटा कि आम भैक्सीन सब दिखाई विषय सब ए भितर यहाँ अच्छे सेकेंड रे भैक्सीनेसन विषय सब सर्च करा चाहिए आउ थर्ड रे अच्छे आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप होता है यहाँ थर्ड रे अच्छे हाँ ता सहित मन रखिए गोटे जदि गेम कथा कह तो सब गेम जो फ्री फायर गेम अच्छे से ट्रेंडिंग लिस्ट थिला ए वर्ष जगह सेमती हू हेज द मोस्ट सर्चड पर्सन ऑन गूगल इन 2021 तो गूगल सबुठ को पर्सन को अधिक सर्च कराई तो सी होमर गोल्ड विनर जावेलिन थ्रो नीरज चोपड़ा तो ये गोल्ड जितेला पूरा पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी जाता तो से पूरा ए वर्ष सबुठ अधिक सर्च कराई नीरज चोपड़ा को सेकेंड आर्यन खास जो केस ये सेकेंड अच्छा शहनाज गिल एलोन मस्क टेस्ला ओनर तो ये सब टप्रे अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन मन रखिए जो नीरज चोपड़ा जीति थे केते मीटर 87.58 मीटर जावेलिन थ्रो रे गोल्ड जीति थे ये मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट इतनी दूर जाए जावेलिन थ्रो करते आए अगस्ट 7 जीति थे यहाँ मन रखिए कारण आम इंडिया रे ये अगस्ट 7 को ए जावेलिन थ्रो थ्रो डे रूपे सेलिब्रेट कराबी एनाउंस कराई हू हेज टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वोमेन लिस्ट तो इंडिया रे जो मोस्ट पावरफुल वोमेन लिस्ट अच्छे तो आईरे टॉप किए आमर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आउ सेकेंड रे अच्छा नीता अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री आउ थर्ड रे अच्छा सौम्य स्वामीनाथन सौम्य स्वामीनाथन किए ये होंगे चीफ साइंटिस्ट WHO अच्छा
ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ। ଆଉ ସେମିତି ଫୋର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି କିରଣ ମଜୁମଦାର ଶାହା। କିରଣ ମଜୁମଦାର ଶାହା କାଲି ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୋକୋଇନ୍, ବାୟୋକୋଇନ୍ର ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡର ଇଏ ବାୟୋକୋଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାୟୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀଟା। ତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥରେ। ଆଉ ସେମିତି ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ଗ୍ଲୋବାଲର ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଓମେନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ତ ତାହିଁରେ ଇଣ୍ଡିଆର 4 ଜଣ ଥିଲେ, ଯାହିଁରୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଥିଲେ କେତେ ରେଙ୍କରେ, 37th ରେଙ୍କରେ। ଆଉ କିରଣ ମଜୁମଦାର ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ 72 ରେଙ୍କରେ। ଆଉ ତାହିଁରେ ଯଦି କିଏ ଟପ୍ କରିଥିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମାର୍କ କେଞ୍ଜିଆ ସ୍କଟ, ମାର୍କ କେଞ୍ଜିଆ ସ୍କଟ, ଯିଏକି ଆମାଜନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ବା ତା'ର ଚିଫ୍ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆହୁରି ଟପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁ ହେଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ନେ ବାଇଜୁସ୍ ୟଲି ଲର୍ନ ଆପ୍। ତ ବାଇଜୁର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିସ୍ନେ ବାଇଜୁ ୟଲି ଲର୍ନ ଆପ୍ କାଟିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସ୍ନେ ବାଇଜୁର ଗୋଟେ ୟଲି ଲର୍ନ ଆପ୍ଟା। ତ ତା ପାଇଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଆଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର୍ ହେବା ଆପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ବାଇଜୁ। ଆଉ ବାଇଜୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବାଇଜୁ। ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ, ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଉ ତା ସହିତ ମନେ ରଖି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖି, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ତ ଲଗାତାର 2ଟା ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି 2ଟା ଅଲମ୍ପିକରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଥଲେଟ୍ ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ମି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୁନେରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି ଆର୍ମି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ରାନୀ ରାମପାଲ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ୟୁଟାସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଇକ୍ୟୁଟାସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ସିଏ ତା'ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର ଭାବେ ଆଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍। ତ ମିଲ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ଦେହରାଦୁନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେହରାଦୁନ ହେଉଛି ତା'ର ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ, ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେହରସନ୍। ତ ଦେହରାଦୁନରେ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ଟାକୁ, ଏହିରେ ଟୋଟାଲ 4.62 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହିଁରେ କି 500ଟା ମିଲ୍କ ସେଲ୍ସ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହେବ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ଆଉ ଏ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର 53,000 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଲ୍କକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆସୁଛି ମିଲ୍କର ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବା ଏଇଟାକୁ ଅପରେସନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ଫାଦର କିଏ, ଭାର୍ଗେସ୍ କୁରିଆନ, ଭାର୍ଗିଜ୍ କୁରିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଫାଦର କୁହାହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର। ତ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ହଲ୍ଦିଘାଟ ଫାଉଟ୍। ତ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ହଲ୍ଦିଘାଟ ଫାଉଟ୍ ମାନେ କେବେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ କ୍ୟା କା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।